अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दा मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 117 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअहैना और हमने वही की इला मूसा तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की आन ये के अल के तू भी डाल असा का अपनी असा फाइजा फिर जब उसने डाला हिया तो यका यक वो तल का फू निगलने लगा माँ उस झूठ को जो या अफीकून वो घड़ते थे। आयत नंबर 118 फवका आ तो साबित हो गया फवका अल हक कु हक वा बाताला और बातिल हो गया मा जो कुछ के कानू थे वो या मलून कर रहे। आयत नंबर 119 फगोलीबू चुनाचे वो जादूगर मगलूब हो गए मुनालिका वहां वन कलाबू और वो लौटे सागिरीन जलीलो ख्वार होकर। आयत नंबर 120 वा उल्की ये सहारा तू और गिरा दिए गए सहारा तू जादूगर साजिदीन सजदा करते हुए। आयत नंबर 121 कालू उन्होंने कहा आमन्ना हम ईमान लाए बिरब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन पर। आयत नंबर 122 रब्बी जो रब है मूसा मूसा व हारूना और हारून अलैहिस्सलाम का। काला आयत नंबर 123 काला कहा फिरौनो फिरौन ने आमन तुम क्या तुम ईमान ले आए हो बेही इस पर कबला इससे पहले अन ये के आजाना मैं इजाजत दूं लकुम तुम्हें इन्ना यकीनन हाजा ये ला मकरुम मकर तुमूहू अलबत्ता मकर है मकर तुमूहू तुमने ये मकर किया है फिल मदीना ते इस शहर में ले तुखरेजू ताकि तुम निकाल दो मिनहा इस शहर से अहलाहा इसके रहने वालों को फसौफा चुनाचे अन करीब तालामून तुम जान लोगे। आयत नंबर 124 ला उकत्ती अन्ना अलबत्ता मैं जरूर काटूंगा एदिया कुम तुम्हारे हाथ व अर्जुला कुम और तुम्हारे पाँव मिन खिलाफिन मुखालिफ सिम से सुम्मा फिर ला उसल्ली बन्ना कुम अलबत्ता मैं जरूर सूली पर लटकाऊंगा तुमको अजमाइन सबको। आयत नंबर 125 कालू उन्होंने कहा इन्ना यकीनन हम इला रब्बी ना अपने रब ही की तरफ मुनकालिबून लौटने वाले हैं। आयत नंबर 126 वह मा तन की मुंह और नहीं तू सजा दे रहा मिन्ना हमें इल्ला मगर अन इस बात की के आमन्ना हम ईमान लाए भी आयाती रब्बी ना अपने रब की आयात पर लम्मा जब जाअतना वो आए हमारे पास रब्बाना ए हमारे रब अफरिग तू डाल दे अलैना हम पर सबरन सबर व तवफ्फना और फौत कर हमें मुस्लिमीन इस हाल में के हम मुसलमान हैं।
इस वक्त अल्लाह ताला ने अपने बंदे और रसूल मूसा अलैहि सलाम को बजरिया वही हुक्म दिया कि अब तुम्हारे दाएं हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर फेंक दो। उन्होंने ऐसा ही किया और वो लाठी जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को निगलने लगी। ये देखकर फिरौन, इसके कारकुनान और इस कौम के लोग जलीलो रुस्वा होकर वापस लौटने लगे और जादूगर आमन्ना बिरब्बिल आलमीन तब्बी मूसा व हारून कहते हुए सजदे में गिर गए। जब हक वाजे हो गया और तमाम जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो फिरौन ने अपनी जिल्लत और रसवाई पर पर्दा डालने के लिए कहा कि तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। ऐसा मालूम होता है कि तुम लोग जहां आने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए थे और एक रची रचाई साजिश के मुताबिक यहाँ आए हो कि पहले तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बजाहर अपनी अपनी तेजी दिखाओगे और फिर इसके सामने झुक जाओगे ताकि तुम सब मिलकर कबतियों को यहाँ से निकाल दो और उनकी जगह ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा बादशाह बन जाए और इसके साथ तुम लोग रहने लगो तो अनकरीब तुम लोग अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। वो खबीस शख्स समझता था कि ये जादूगर जमीन में फसाद बर्पा करने वाले हैं, लिहाजा वो उनके साथ वही सलूक करेगा जो फसादियों के साथ किया जाता है। कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालफ सिम से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर तुम सबको सूली दे दूंगा। ईमान लाने वाले जादूगरों को जब फिरौन ने ये धमकी दी तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी सजा की कोई परवाह नहीं, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर है और वो हमेशा रहने वाला है, इसलिए तो तू जो फैसला करना चाहे कर ले, हम तेरे अजाब को सब्र के साथ बर्दाश्त कर लेंगे ताकि कल के अजाब से बच जाएं। फिरौन को जवाब देते हुए उन्होंने कहा फ़क्ज़ी मा अंता काज़ इन्नमा तक्ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियाग़फ़िरा लना ख़ताया वमा अक्रहतना अलैहि मिनस्सिहर वल्लाहु ख़ैरुन व अबका इन्नहु मन याती रब्बहु मुजरिमन फ़इन्ना लहु जहन्नम ला यमूतु फ़ीहा वला यहया वमन यातीही मुमिनन कद अमिल सालिहाती वउलाइका लहुम दराजातुल उला। सूरह तौहा में सो फैसला कर जो तू फैसला करने वाला है, इसके सिवा कुछ नहीं कि तू इस दुनिया की जिंदगी का फैसला करेगा। बेशक हम अपने रब पर इसलिए ईमान लाए हैं कि वो हमारे लिए हमारी खताएं बख्श दे और जादू के वो काम भी जिन पर तूने हमें मजबूर किया है, और अल्लाह ताला बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। बेशक हकीकत ये है कि जो अपने रब के पास मुजरम बनकर आए गा तो यकीनन उसी के लिए जहन्नम है, ना वो उसमें मरेगा और ना जिएगा। और जो इसके पास मोमिन बनकर आएगा कि उसने अच्छे अमाल किए होंगे तो यही लोग हैं जिनके लिए सबसे बुलंद दर्जे हैं। दिन के इब्तदाई हिस्से में ये लोग जादूगर थे मगर आखिरी हिस्से में नेकूकार और शोहता बन गए। लेकिन ये जो कुछ भी था एक तखयल शुबदाबाजी और जादू था जो हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम के लाठी डालते ही सब कुछ खत्म हो गया और लाठी ने एक खौफनाक अजदहे की शक्ल इख्तियार करके सब कुछ निगल लिया। जादूगरों ने जो जादू के फन और इसकी असल हकीकत को जानते थे ये देखा तो समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ यहाँ पेश किया है जादू नहीं है, ये वाकई अल्लाह ताला का नुमाइंदा है और अल्लाह ताला की मदद से ही उसने ये मौजा पेश किया है जिसने आन वाहद में हम सब के करतबों पर पानी फेर दिया। चुनाचे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया।
इससे ये बात वाजी हुई कि बातिल बातिल है, चाहे इस पर कितने ही हसीन गुलाफ चढ़ा लिए जाएं, और हक हक है चाहे इस पर कितने ही पर्दे डाल दिए जाएं, तहम हक का डंका बजकर रहता है। सजदे में गिरकर उन्होंने रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का फैसला किया या ऐलान किया, जिससे फिरौनियों को मुगालता हो सकता था कि ये सजदा फिरौन को किया गया है जिसकी अल्वहियत के वो कायल थे। इसलिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब कहकर वाजे कर दिया कि ये सजदा हम जहानों के रब को ही कर रही हैं, लोगों के खुद साख्ता किसी रब को नहीं। ये जो कुछ हुआ फिरौन के लिए बड़ा हैरानकुन और ताज्जुब खेज था, इसलिए उसे और तो कुछ नहीं सूझा, उसने यही कह दिया कि तुम सब आपस में मिले हुए हो और उसका मकसद हमारे इक्तदार का खात्मा है। अच्छा, इस अंजाम का अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। यानी दायां पांव और बायां हाथ पांव और दायां हाथ, यानी फिर यही यही नहीं, सूली पर चढ़ाकर तुम्हें निशाने इबरत भी बना दूंगा। इसका एक मफहूम तो ये है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा मामला करेगा तो तुझे भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कयामत वाले दिन अल्लाह ताला तुझे इस जुर्म की सख्त सजा देगा, इसलिए कि हम सबको मर कर ही उसके पास जाना है। इसकी सजा से कौन बच सकता है? गोया फिरौन के अजाबे दुनिया के मुकाबले में उसे अजाबे आखरत से डराया गया है। दूसरा मफहूम ये है कि मौत तो हमें आनी ही आनी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मौत सूली पर आए या किसी और तरीके से। यानी तेरे नजदीक हमारा यही ऐब है जिस पर तू हमसे नाराज हो गया है और हमें सजा देने पर तुल गया है, हालांकि ये सिरे से ही ऐब नहीं है। ये तो खूबी है, बहुत बड़ी खूबी, कि जब हकीकत हमारे सामने वाजे होकर आ गई तो हमने उसके मुकाबले में तमाम दुनियावी मफादात ठुकरा दिए और हकीकत को अपना लिया। फिर उन्होंने अपने रुए सुखन फिरौन से फेर कर अल्लाह ताला की तरफ कर लिया और इसकी बारगाह में दस्ते बद्दुआ हो गए, ताकि हम तेरे इस दुश्मन के अजाब को बर्दाश्त कर लें और हक में मुतसल और ईमान पर साबित कदम रहें। इस दुनियावी आजमाए से हमारे अंदर ईमान से इनहराफ आए, ना किसी और फितने में हम मुबतला हों। रबी फिरली वाली वालिदैया वाली मन दखला बैतिया मुमिना वाली मुमिनीना वाल मुमिनात सुभाना रबी का रबिल इज़्ज़ते अम्मा यासिफून असलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।